বাসায় এসে দেখি বাসায় কারেন্ট নাই, তাই বীর গরম লাগে গরম লাগে গরম লাগে, তাই আমি অন্ধকারে জোরে জোরে বাতাস দিয়ে যাই, তাই বীর গরম লাগে গরম লাগে গরম লাগে। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप भी कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को इन तक देखना। गाइस, कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए अलाइन मोशन ऐप की जरूरत है। आपके पास अलाइन मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलाइन मोशन ऐप का लिंक दे दूंगा, आप सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। जाने के पहले आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहले आपको अलाइन मोशन ऐप ओपन कर लेना है, फिर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके 9 to 16 साइज के प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है पहले। फिर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ से आपको कुछ फोटो को यहाँ से आपको एडिट कर लेना है। तो मीडिया पर जाने के बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, मतलब जिस फोल्डर पर आपका फोटो उस फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर आपको एक फोटो यहाँ से ले लेना है, थ्री डॉट पर जाकर आपको फिल कंपोजिशन एरिया करना है। एरिया करने के बाद इस सीआर आइकन पर क्लिक करके कारण एमएस पीएनजी भी क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ थोड़ी देर यहाँ से वेट करना होगा क्योंकि फोटो एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस। ठीक है, यहाँ पर देखिए फोटो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फिर सेव कर लेना है, फिर क्लोज करके सिंपली इस फोटो को डिलीट कर देना है। फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से आपको एक फोटो यहाँ से ले लेना है। फिर से आपको थ्री डॉट पर जाके आपको फिल कंपोजिशन एरिया करना है। एरिया करने के बाद ये सेम तरीके से यहाँ से आपको फोटो को यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको देख सकते हैं जूम है एंड मूव एंड ट्रांसफर है, बहुत सारी ऑप्शन है। फिर से आपको सीआर आइकन पर क्लिक करना है, कारण पीएनजी पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको तीन फोटो को यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस आपको सिर्फ ये तीन ही फोटो यहाँ से यूज़ होगा। तो तीन फोटो कर लेने के बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है, प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये से इफेक्ट और ये सॉन्ग बीटमार्क इस दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप देखकर लाइट बटन पर इनपुट कर लीजिए। फिर आपको सॉन्ग बीटमार्क को यहाँ से ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीटमार्क को यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पर ये एक लिरिक्स है, इसको आपको इनपुट करने पर मिल जाए। फिर आपको यहाँ पर ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, इस तीन ग्रुप में सिर्फ आपको तीन फोटो ऐड करने हैं। तो सिर्फ ग्रुप में कैसे फोटो ऐड करते वो मैं बताऊंगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन फोटो सिर्फ ऐड करने हैं। तो फर्स्ट ग्रुप पे आपको टैप कर देना है, एडिट ग्रुप पे चले जाना है। एडिट ग्रुप पे जाने के बाद यहाँ से आपको देखिए बहुत सारे लेयर है, तो फर्स्ट में आ जाने के बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद जिस फोल्डर पर आपका फोटो है उस फोल्डर को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ से एलआर मोशन का आपको सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एलआर मोशन से फोटो एक्सपोर्ट किए हो तो आप सारी फोटो आपको एलआर मोशन पर मिल जाएगा। तो आपको एलआर मोशन को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ से एलआर मोशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको यहाँ से एक फ़ोटो यहाँ से आपको ले लेना है। मान ले मैं इस फोटो के यहाँ से ले लेता हूँ, फिर आपको इस डबल ड्रैगन पर क्लिक करके आपको कॉपी लेयर पर क्लिक करके फोटो को डिलीट कर देना है। फिर से इस आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल लेयर करना है, और फिर से इस आइकन पर क्लिक करके पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके ये सारी को अनटिक करके सिवाय के कलर वगैरह का मतलब जो फास्ट रहेगा उसको टी रह गए, बाकी को अनटिक करके पेस्ट कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल से यहाँ पर फोटो ऐड हो जाएगा, मतलब जितने सारे लेयर है सारी लेयर में एक ही बार में फोटो ऐड हो जाएगा। ग्रुप में फोटो इस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम तरीके से आपको नेक्स्ट ग्रुप पे चले जाना है। एडिट ग्रुप पे जाने के बाद आपको सेम तरीके से प्लस आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, एक फोटो लेना है, डबल आइकन पे क्लिक करके फोटो को कॉपी करना है, फिर इसको डिलीट कर देना है फोटो को। फिर आपको सेलेक्ट ऑल पे जाके आपको पेस्ट स्टाइल पर क्लिक कर ये सारे को अनटिक करके पेस्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देखिए मतलब मैंने दो ग्रुप में दो फोटो ऐड कर लिया और लास्ट ग्रुप में सेम तरीके से यहाँ से फोटो ऐड करना है। तो गाइस आपको एक बात ध्यान से रखना है, सिर्फ आपको एक ग्रुप में आपको एक ही फ़ोटो यहाँ से ऐड करना है। तो गाइस आप सिर्फ तीन फोटो यहाँ से ऐड कर लेना है, और जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने बता ही दिया पहले। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने सारी ग्रुप में एक एक करके यहाँ से फोटो ऐड कर लिया। तो गाइस इतना करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ से आपको बैक चले जाना है, मतलब यहाँ से आपको देखिए तीन फोटो ऐड हो गया। तो आपको यहाँ से बैक चलने के बाद आपको सिंपली चले जाना है इफेक्ट पर। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट पर जाना है। यहाँ इफेक्ट पर जाने के बाद इस डबल ड्रैगन पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट ऑल लेयर करना है, और लास्ट जो फोटो उसको अनटिक करके इस आइकन पर क्लिक करके कॉपी 7 लेयर कर देना है। फिर से यहाँ से बैक जाने के बाद आपको सॉन्ग बीटमार्क को और एक बार ओपन करना है, और यहाँ से आपको इस 6 लेयर को यहाँ से आपको पेस्ट 7 लेयर कर देना है। तो कैसे यहाँ पर देखिए वीडियो बन के रेडी हो गया, मतलब ये देखिए इस 7 लेयर वीडियो का इंटेक नहीं हुआ। फिर लॉन्ग प्रेस करके आपको 7 लेयर को और एक बार यहाँ से सेलेक्ट करना है, और यहाँ से वीडियो को इन तक इस आइकन पर क्लिक करके उसको ले आना है। तो गैस इतना करने के बाद आपको सीआर आइकन पर क्लिक करना है और वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो गैस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और गैस आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गैस मिलते हैं अगले वीडियो में।